सभी प्यारे स्टूडेंट्स एंड माय कलीग एंड फ्रेंड्स का दिन शुभ रहे। माय सेल्फ नॉन एज संतलाल, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मैमल्स का ओरिजिन का पार्ट सेकंड। इस कोरोना क्राइसिस में निदेशालय कॉलेज शिक्षा उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एडवाइजरीज के मुताबिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग हम YouTube चैनल के माध्यम से आपको वीडियो लेक्चर बनाकर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सुने, शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम विद्यार्थियों को फायदा हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओरिजिन ऑफ मैमल्स पार्ट सेकंड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर मैमेलियन करेक्टर्स। पिछले वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने साइनोडोंट और डायप्सिडा और प्रिमिटिव मैमल लाइक रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज पढ़ी। अब यहाँ अदर मैमेलियन करेक्टर्स क्या पाए जाते हैं रेप्टाइल्स में, वो पढ़ने जा रहे हैं। द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड द हाई डिग्री एक्टिविटी इन द मैमल्स आर कोरिलेटेड विद द फोर चैम्बर्ड हार्ट, दीज टेट्रापॉड्स इन विच द आर्टेरियल या प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज केप्ट इंटायरली सेपरेट फ्रॉम द वेनस या इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ का क्या कह रहा है, बॉडी के तापक्रम को निश्चित रखने के लिए ये उच्च मात्रा में हाई डिग्री में अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करने के लिए इस टेट्रापॉड चतुष्पादी जंतुओं के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट, टू ओरिकल एंड टू वेंट्रिकल युक्त संरचना का निर्माण हुआ, जिनमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहता है। प्योर और इम्प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। सेकंड, इंसुलेटिंग यानी कि टेम्परेचर या कोल्ड का कोई प्रभाव नहीं होता, प्रतिरोधी होता है। आवरण ऑफ हेयर्स इवॉल्व अलोंग विद द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन द मैमल्स, यानी शरीर के चारों तरफ हेयर्स विकसित हुए और वो हेयर्स क्या करते हैं, बॉडी के चारों तरफ तापक्रम विरोधी इंसुलेटिंग कोट का निर्माण करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। क्योंकि मैमल्स रेप्टिलियंस तो क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे, पोइकिलोथर्मल थे, असमतापी थे, जबकि मैमल्स समतापी होते हैं, होमियोथर्मल होते हैं, एंडोथर्मस होते हैं। फ्रॉम द कोल्ड एंड फ्रॉम द हीट एज वेल,
सर्दी में भी, ठंड में भी और हीट में भी बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो उनको प्रोटेक्ट करती है ये इंसुलेटिंग कॉट। थर्ड, मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए डायफ्राम। डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो अपने अंदर जो सिलोमिक केविटी है, ऊपर थोरेसिक केविटी और नीचे एब्डोमिनल केविटी को, इस सिलोमिक केविटी को दो भागों में डिवाइड करती है, अपर थोरेसिक एंड लोअर एब्डोमिनल केविटी। और इसके कारण से ही रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग संपन्न होता है। द मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डायफ्राम विच सेपरेट द थोरेसिक पोर्शन ऑफ द बॉडी केविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल रीजन। जो किसको थोरेसिक रीजन को एब्डोमिनल रीजन से अलग करने का कार्य करती है। असिस्ट इन ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग्स। इसके द्वारा एयर फेफड़ों के अंदर प्रवेश भी करती है और इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फोर्स आउट बाहर निकालने का में भी मदद करता है। मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम, फोर्सिंग इट आउट। दिस टुक प्लेस एट ए लेट स्टेज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम रेप्टाइल्स टू मैमल्स। ये कब बनी? जब रेप्टाइल से मैमल बन चुके थे उसके बाद में ये कंडीशन इनमें डेवलप हुई। नेक्स्ट, एज टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की अनेक संरचनाएं इनमें विकसित हुई, नए मेथड्स डेवलप हुए। इट सीम्स लाइकली दैट दीज अपियर्ड आफ्टर मैमल्स वर फर्मली एस्टैब्लिश्ड ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जब मैमल्स फर्मली स्थापित यानी जटिलता से, सघनता से, अत्यधिक संख्या में या इनका बोलबाला हो गया, उसके बाद में ये रिप्रोडक्शन का मेथड डेवलप हुआ। प्रिमिटिव मैमल्स, प्रोटोथीरिया एंड मोनोट्रीमेटा। बात ये है कि ये इंडिया में नहीं पाए जाते, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, भारतवर्ष में पाए जाने वाले पक्षी नहीं है। प्रोटोथीरिया प्रिमिटिव मैमल्स हैं, चाहे मोनोट्रीमेटा बोल दो। ये प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि अंडे देते थे, एग लेइंग मैमल्स हैं। और फाइलोजेनेटिक ट्री में देखें, अपन जाति वर्तीय वृक्ष में देखें तो ये स्टैंडिंग एट द बेस ऑफ इट्स फाइलोजेनेटिक ट्री, एकदम फाइलोजेनेटिक ट्री में मैमल्स की एकदम नीचे नीचे व्यवस्थित होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम रेप्टाइल्स। सबसे पहले प्रिमिटिव मैमल्स एक तरफ एक शाखा से निकली, ब्रांच निकली, उससे ये डेवलप या इवॉल्व हुए, सॉरी डेवलप नहीं, इवॉल्व हुए या इनका ओरिजिन हुआ है। दे रिजेंबल रेप्टाइल्स इन फॉलोइंग करेक्टर्स। ये रेप्टाइल से क्या समानताएं प्रकट कर रहा है, वो आ रही हैं एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्यकरण। या देखिए, अंगुली लगा रहा हूं, पिन्ना अपसेंट इन बॉथ, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे मैमल्स मोनोट्रिम्स हो या प्रोटोथीरियंस हो, एक्सेप्ट इन प्रो एकिडना एंड प्रिमिटिव मैमल, प्रो एकिडना को छोड़ करके। इंटरनल फीचर्स,
एनाटॉमी के फीचर्स आ रहे हैं, स्केलेटन में स्कल। अब स्कल में आ रहा है प्री वॉर्मर रेप्टिलियंस, अपर जा के पास में ऊपरी जबड़े के पास में पाए जाने वाली प्री वॉर्मर जो बोन्स होती हैं, ऐसा इन प्रिमिटिव मैमल्स के अंदर भी पाया जाता है। लेक्रिमिल एंड एलिस, ये देखो यहाँ पे अश्रु लेक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथियां एंड एलेस्पिनोइड अब्सेंट। अब एलेस्पिनोइड क्या है? विंग लाइक कार्टिलेज बोन है जो मैमल्स में पाई जाती है, मैमल्स के स्कल में पाई जाती है, और ये नेत्रों के लिए गड्ढे या सॉकेट बनाती है। कौन सी? ये एलिस्पिनोइड बोन या कार्टिलेज अब्सेंट होती है। अब्सेंस ऑफ टिम्पेनिक बुला, वही ईयर ड्रम आ गया, जो इंटरनल ईयर और किसको मिडल ईयर और इंटरनल ईयर को पृथक पृथक करने का कार्य करती है। सेपरेट टेरिगोइड्स, टेरिगोइड्स क्या हैं? ये ऐसी हड्डियां हैं जो जॉ मसल्स युक्त होती हैं और अपन मेस्टिकेशन करते हैं, भोजन को चबाते हैं, उस समय ये सहायता करती हैं। देन टेम्पोरल कैनाल परफोरेटेड या परफोरेट्स द पोस्टीरियर रूफ ऑफ जाइगोमेटिक आर्क। टेम्पोरल रीजन में टेम्पोरल कैनाल जो है छिद्रित करती है किसको? पोस्टीरियर रूफ ऑफ द जाइगोमेटिक आर्क। जाइगोमेटिक आर्क की पश्च छत को, रूप को छिद्रित करने का कार्य करती हैं। अब जाइगोमेटिक आर्क क्या है? इसका दूसरा नाम है चिक, CHEE बॉन, चिक बॉन, गाल वाली हड्डी। यानी चिक बॉन इज ए पार्ट ऑफ स्कल फॉर्मड बाय जाइगोमेटिक आर्क। चिक बोन तो खोपड़ी का वो भाग है जो जाइगोमेटिक आर्क से बनता है। ऑफ द टेम्पोरल बोन और एक्सटेंडेड होती है, फैली हुई होती है ओवर द ओपनिंग ऑफ द ईयर। ईयर की ओपनिंग तक फैली हुई होती है जाइगोमेटिक आर्क। वर्टिब्री एपिफाइसिस अब्सेंट। हालांकि एपिफाइसिस की शुद्ध परिभाषा है कि लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उसका अंतिम सिरा राउंडेड होता है, उस संरचना को एपिफाइसिस कहते हैं। बट यहाँ वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाने वाली वर्टिब्री जो होती हैं उसमें कोई भी ऐसी राउंडेड स्ट्रक्चर कोई भी वर्टिब्रा में नहीं पाई जाती, अब्सेंट होती है। गर्डल्स पेक्टोरल एंड पेल्विक, कोराकोइड लार्ज पेक्टोरल गर्डल के अंदर, कोराकोइड नामक हस्ती बहुत बड़ी होती है। टी सेप्ड इंटरक्लेविकल, दो क्लेविकल के बीच में एक इंटरक्लेविकल पाई जाती है, उसकी आकृति इंग्लिश के अल्फाबेट टी जैसी होती है। पेक्टोरल गर्डल टिपिकल रेप्टिलियन एंड प्लेस लेटरली। पेक्टोरल गर्डल रेप्टिलियन जैसी ही होती है और पार्श्व में या पार्श्वों में स्थित होती है। नेक्स्ट रिब्स, सिंगल हेडेड रिब्स, यानी दोनों में
प्रिमेटिव मैमल्स और रेप्टाइल्स में रिब्स जो पाई जाती हैं वो सिंगल एक तरफ हेड पाया जाता है, राउंडेड स्ट्रक्चर पाई जाती है। सर्वाइकल रिब्स प्रेजेंट बट इन रिड्यूस्ड कंडीशन, सर्वाइकल रिब्स पाई जाती हैं लेकिन राशित अवस्था में, रिड्यूस्ड कंडीशन में पाई जाती हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, टेम्परेचर बदलता रहता है वातावरण के साथ में कुछ हद तक, लिटिल एक्सटेंट अलोंग विद दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दोनों में। ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल फ्लेशी एंड इनकम्प्लीट, आलिंद और नीले के बीच में पाए जाने वाला ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है वो मसल या फ्लेशी होता है और अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। किसमें? प्रीमिटिव मैमल्स में, मोनोट्रीमेटा में या प्रोटोथीरियंस और रेप्टाइल्स में। नर्वस सिस्टम, ब्रेन विदाउट कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम आपको पता है कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाले फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिया है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर स्मूथ चिकने होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आ रहा है, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ डेवलप हुए मेसोडर्मल लेयर द्वारा गैस्ट्रुला के, इसलिए इनका साथ ही तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ, साथ साथ ही पढ़ते हैं। दे आर ओविपेरस, अंडे देने वाले हैं, प्रोटोथीरिया वाले भी अंडे देते हैं और ये जो रेप्टाइल्स आए हैं साइनोडॉन्ट्स ये भी अंडे देने वाले होते हैं। और अंडों के चारों तरफ मोटा कवच शेल पाया जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ योक पाया जाता है, यानी पॉलीलेसिथल एग्स होते हैं। इसलिए क्लीवेज या सेगमेंटेशन जो होगा वो अंशभंजी होगा, मीरोब्लास्टिक होगा, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, क्योंकि योक की मात्रा अत्यधिक होने के कारण न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक तरफ एनिमल पोल की तरफ रिप्लेस्ड हो गए, प्रतिस्थापित हो गए। टेस्टिस एब्डोमिनल होते हैं उधर गुहा के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं पाए जाते। सिंगल यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग, सिंगल यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग एक होती है, वेजाइना डबल होते हैं, ये देखो वेजाइना डबल, बट यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग और ओविडक्ट दोनों दोनों मिलकर के, यानी पेयर्ड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोइका, क्लोइका में खुद रही हैं, ओविडक्ट भी, जननांगीय नलिकाएं भी या अंडवाहिनियां भी, और यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग क्लोइका के अंदर ही खुल रही है, क्योंकि आहार नाल का पश्चतम छिद्र एनस प्लस प्लस यूरिनोजेनाइटल अपर्चर इक्वल टू क्लोइका, दोनों एक साथ साथ खुल रहे हैं, तब उसको अपन क्लोइका कहेंगे। सुविकसित मैमल्स के अंदर क्लोइका की जगह एनस अलग होगा, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर अलग होगा, बट इन प्रिमेटिव मैमल्स में क्लोइका पाया जाता है। रेप्टिलिया में भी क्लोइका है, एविज में भी क्लोइका है, मैमल्स के अंदर प्रोटोथीरियंस जो हैं या मोनोट्रीमेट्स जो हैं, एकिडना प्रो एकिडना डकबिल प्लेटिपस एटसेट्रा में एनएस और यूरिनोजेनाइटल अपर्चर एक ही जगह एक ही छिद्र से बाहर खुलते हैं, दैट इज क्लोइका या अवस्कर कहलाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक पूरा हो चुका है, इजी है। ओरिजिन ऑफ मैमल्स, अपने स्वयं का ओरिजिन हो रहा है, इसलिए सभी के लिए नितांत रूप से ये टॉपिक उपयोगी है। इसी के साथ
जो नियमित रूप से वीडियो को वॉच करते आए हैं और करते रहेंगे, उनको तहे दिल से मैं शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।